again. Celestial. So friends, welcome back again to yet another stock for the next pick video. So Prashant this side, and I hope you are doing well. So इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि निफ्टी एंड कुछ सेक्टर्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आने वाले वीक के लिए काफी अच्छे रह सकते हैं, सेवन टू नेक्स्ट वीक जो है अपना फेवर सेकेंड वीक. सो स्टॉक प्लस सेक्टर्स दोनों देखेंगे जो कि प्योरली मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए अच्छा रह सकता है. इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे ट्रेड्स उस बेसिस पे मैं कैसे लेता हूँ अगर पता नहीं रहेगा तो आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स एंड पोस्ट मार्केट वीडियोस देख सकते हो जो मैं लाइव इंट्राडे के ऊपर डालता हूँ. ठीक है, सो निफ्टी को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीकली पे आ जाते हैं एंड ये जो दो लेवल मैंने मार्क करे यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल आपको दिख रहा होगा. ठीक है, काफी वीक ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ लाइक प्री बजट जो है इसके अंदर अच्छा सा कंप्रेशन हुआ था एंड अगर आप बजट डे पे देखोगे तो ये ब्रेक हुआ था. काफी वोलेटाइल था मार्केट यहाँ पे. अभी अगर देखोगे तो ये फेक ब्रेकडाउन जैसे लग रहा है एंड वापस से निफ्टी जो है इसके अंदर क्लोज हुआ था. सो आने वाले समय में मुझे तो लग रहा है कि ये ब्रेक करेगा, अपसाइड के लिए ही जाएगा. ठीक है, बट इतना इजिली वन साइड नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकता है आने वाले वीक के लिए भी एंड देन अपसाइड कंटिन्यूएशन हो सकता है. ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन है. इसके लिए निगेशन लेवल अपना ये रहेगा 17,450 के अराउंड. इसके नीचे अगर जाता है तो वापस से रिव्यू करना पड़ेगा इसको. सो बाकी स्टॉक्स एंड सेक्टर देख लेते हैं. सेक्टर देखते हैं सबसे पहले एंड उसके बाद स्टॉक्स देखेंगे. सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर है अपने रडार के अंदर. ऑटो सेक्टर को हमने कई बार डिस्कस किया है ये ब्रेकडाउन होने के बाद जब इस रेंज में था. सेम जो अभी हमने निफ्टी डिस्कस किया था कि साइडवेज रह सकता है कुछ वीक के लिए, आप देखो यहाँ पे एंड देन ब्रेक करता है फाइनली. सो ऑल टाइम हाई के नियर बाय ये हुआ था. सो अभी वापस इस रेंज के नियर बाय आ चुका है. यहाँ पे काफी अच्छा रिजेक्शन लिया था विच इज अराउंड 13,550 का लेवल है. सो ऑटो सेक्टर जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले वीक के लिए कुछ. सो ऑटो सेक्टर के अंदर भी स्टॉक देखेंगे. पहले सेक्टर देख लेते हैं. ठीक है, ऑटो सेक्टर के बाद अगर देखो तो आईटी सेक्टर के अंदर भी एक अच्छा मूव आ सकता है. सो ये काफी अच्छे फॉल के बाद करेक्शन के बाद अगर देखो तो यहाँ पे काफी अच्छा बेस बना था. यहाँ पे ट्राई किया था ब्रेकआउट करने का, ये स्ट्रीम पे अपने काफी बार एक्सप्लेन करा है. तो यहाँ पे फेल हुआ था अटेम्प्ट एंड वापस यही लेवल पे है अभी आईटी अगर देखो तो. एंड यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो कप एंड हैंडल की तरह एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है. ठीक है, सो इसी का ब्रेकआउट हुआ है. सो इस लेवल के ऊपर अगर आईटी इंडेक्स अगर आपको दिखता है सो आईटी के अंदर भी हम इंट्राडे स्टॉक्स के लिए देख सकते हैं. सो वो भी स्टॉक्स कुछ देख लेंगे हम. नेक्स्ट है अपना एफएमसीजी. एफएमसीजी के अंदर अगर देखो तो यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था, वो फेल हुआ था एंड यहाँ पे मैं कुछ लेवल मार्क करता हूँ तो ऑल टाइम हाई के नियर बाय यहाँ पे रेंज में था. तो यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ था एंड देन फेल हुआ था, वापस से अभी इसको ब्रेक किया. ये बजट डे के दिन वोलेटिलिटी आपको दिख सकता है. आईटीसी के अंदर हम देखेंगे न्यूज आया था टैक्स रेट इंक्रीज किया था तो ये वोलेटिलिटी थी एंड दिस कैन बी लाइक शेकआउट एंड यहाँ पे ब्रेकआउट वापस से हुआ. सो इसको भी हम रडार पे रखेंगे. नेक्स्ट अगर आपको बेरिश साइड कुछ ट्रेड देखने रहेंगे इनकेस अगर बेरिश साइड भी मिलता है. सो फार्मा सेक्टर के अंदर काफी अच्छा सेलिंग दिखने को मिला है. सो अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है फार्मा तो शॉर्टिंग के लिए हम स्टॉक्स देखेंगे. आप देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था ये विच इज अराउंड 12,300 राइट. सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट है तो फाइनली इसने ब्रेक किया है. सो इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता ही है तो हम शॉर्टिंग के लिए इसके अंदर भी स्टॉक्स देख सकते हैं. इनकेस अपना व्यू बुलिश है बट मार्केट उस दिन इंट्राडे के लिए स्पेसिफिक बेरिश रहता है सो ऐसा नहीं कि हम बुलिश बायस पे रहेंगे तो शॉर्टिंग के लिए भी कुछ देख के रखना पड़ेगा है ना. सो वो अगर रहता है तो शॉर्टिंग के लिए हम इसके स्टॉक देखेंगे और एक दो स्टॉक मैंने निकाल के रखे वो भी बताता हूँ. सो यहाँ पे हमने सेक्टर डिस्कस करे तो अभी स्टॉक्स देख लेते हैं सभी के अंदर. तो पहला अगर स्टॉक आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है ऑटो के अंदर जो कि काफी बढ़िया लग रहा है. ऑल टाइम हाई का जो है ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको. ये है ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, हमने ये पहले भी डिस्कस करा है. ये फेल हुआ था एंड वापस से जो है उसी लेवल पे आया है, ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर रीटेस्ट हुआ है एंड देन वापस से ये ट्राई कर रहा है. सो तो यहाँ पे दिखेगा आपको ये रेंज है इसका. सो इसके ऊपर 1400 का पकड़ लो राउंड नंबर है वो. सो उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम इंट्राडे के अंदर इसको ट्रेड कर सकते हैं. इसको हमने शायद यहाँ पे भी ट्रेड किया था, ये स्ट्रीम के अंदर बताया रहेगा. सो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा रह सकता है इंट्राडे के लिए अगर मोमेंटम आता है इसके
अंदर जो हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है अपना आयशर मोटर। तो आयशर मोटर के अंदर भी अगर आपको दिखेगा तो काफी अच्छा बेस बना था एंड बेस के बाद जो है ये ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहे हैं। ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था इसने एज एन रीटेस्ट की तरह एंड बाउंस कर रहे हैं। सो आयशर मोटर को भी हम देखेंगे, बट स्ट्रॉन्ग जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। टाटा मोटर्स को मैंने देखा नहीं था चार्ट, तो टाटा मोटर्स भी अगर देखो तो टाटा मोटर्स भी बढ़िया है, बट इसका लेवल काफी दूर है इसके लिए मैंने इस पे ऐड नहीं किया। ये अराउंड 455 टू 460 का लेवल है। सो ये अगर आता है तो इसको भी ट्रेड करने का ट्राई करेंगे हम टाटा मोटर्स को, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया इसके अंदर। सो नेक्स्ट स्टॉक अगर देखो तो अपना है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एफएमसीजी के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो। सो वीकली के ऊपर देखोगे तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है। सो इसको भी आप देख सकते हो ट्रेडिंग के लिए, बट ये थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है तो रिस्की भी रहता है, ये काफी वोलेटाइल मूव करता है। इंट्राडे के लिए मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। सो इसको अगर ट्रेड करना है तो थोड़ा सा एसएल वगैरह वाइल्ड रखना पड़ता है एंड ट्रेलिंग इसमें एग्रेसिव करनी पड़ती है, ठीक है। सो ये कुछ ध्यान रखो इसमें अगर ट्रेड करना है तो, नहीं करना है तो फिर आप आईटीसी वगैरह देख सकते हो, हम दिखाएंगे वो भी स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट अपना स्टॉक जो है इंफोसिस। इंफोसिस के अंदर अगर आप देखो तो इसने भी काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है इस लेवल के नियर पे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो बाइंग प्रेशर काफी स्ट्रांग है, ये वीक देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर वीकली पे आते हो तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो वन टाइम, सेकेंड टाइम एंड ये थर्ड अटेम्प्ट, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे खासे है। सो ये पॉसिबल हो सकता है अगर आईटी सेक्टर जो है रन करता है तो इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट अपना स्टॉक रहेगा टीसीएस। टीसीएस भी काफी बढ़िया है, बेस बना है यहाँ पे अगर देखो तो सेम आईटी सेक्टर का जो स्टॉक, आईटी सेक्टर का चार्ट जो हमने डिस्कस करा था सेम लेवल से यहाँ पे अगर देखो तो ब्रेकआउट फेल हुआ था एंड देन वापस से यहाँ पे जो है ब्रेकआउट किया है इसने कप एंड हैंडल की तरह आपको दिख रहा होगा। आईटी के अंदर अब टीसीएस और इन्फिको देखेंगे। ये दोस्तों मैंने बस निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐड करे, मैं बाकी फ्यूचर्स के स्टॉक्स भी देखता हूँ। सो उसके अंदर भी हम ले सकते हैं, जैसे कोफोर्ज परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे ऐड नहीं किया तो निफ्टी 50 रिलेटेड मैंने स्टॉक ऐड करे, बट आप वो भी देख सकते हो, है ना। एफएमसीजी के अंदर हमने जैसे डिस्कस करा था कि आईटीसी को भी देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट काफी बढ़िया है इसका आईटीसी का। यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था एक अच्छे मोमेंटम के बाद, विच इज एक्सट्रीमली गुड। एंड इस जोन के नियर बाय इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था, विच इज अराउंड 360-370 के नियर बाय रेजिस्टेंस लिया था। तो उस यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स रेट अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट डे के दिन, तो यहाँ पे 329 के अराउंड कुछ लो लगाया था एंड तुरंत से जो है रिकवरी हुई थी वहां से। सो इट्स काइंड ऑफ शेकआउट। सो ये भी काफी अच्छा रह सकता है अगर इंट्राडे के अंदर मोमेंटम आता है एंड आपको वोलेटिलिटी अगर पसंद नहीं है जैसे ब्रिटानिया का हमने डिस्कस करा था, तो यू कैन रेफर दिस स्टॉक। इसके बाद का अपना जो एफएमसीजी का नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो ये भी काफी बढ़िया है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन के अंदर है, आईटीसी ने क्लीन ब्रेकआउट दिया। सो ये भी आप देख सकते हो एफएमसीजी के अंदर एंड यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट निकालते हो तो ये ऑलमोस्ट नियर टू ब्रेकआउट ही है, ठीक है। सो इस जोन के ऊपर आता है यहाँ पे, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम इसको भी इंट्राडे के अंदर देख सकते हैं, काफी अच्छा फ्लैग का ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक अपना जो है, अब दोस्तों हमने सारे बुलिश स्टॉक देख लिए, इनकेस अगर मार्केट आपको बेरिश इंट्राडे के अंदर मिलता है स्ट्रक्चर तो उस केस में कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले। यहाँ पे टाटा कंज्यूमर है अपना पहला, तो इसके अंदर काफी अच्छा सेल ऑफ हो रहा है। सो ये जो लेवल है इसका प्रीवियस अराउंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो इस जोन को ये काफी रिस्पेक्ट कर रहा था तो इसको ब्रेक करने के लिए काफी मशक्कत हुई है, फाइनली जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। रिजल्ट्स एंड अर्निंग भी अनाउंस हुई थी शायद, उसको वो भी कारण हो सकता है। सो इस जोन के नीचे अगर सस्टेन करता है तो इसके अंदर हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। इंट्राडे की ही मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, नॉट एन पोजिशनल, ठीक है। अराउंड दिस जोन के टारगेट्स हो सकते हैं। सेकेंड अगर देखो तो बीपीसीएल एक पेट्रोलियम स्टॉक, इसके अंदर अगर आप देखो तो एक काफी अच्छा सा ब्रेकडाउन मिला है, ठीक है। इससे सपोर्ट ले रहा था वो बट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे फाइनली ब्रेक किया। सो अराउंड इस जोन के नीचे सस्टेन करता है, विच इज अराउंड दिस लेवल, डे लो के नीचे मतलब 320 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो इसको भी हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है। इनकेस अगर बुलिश ट्रेड आपको नहीं मिलता है तो आप देख सकते हो इसके अंदर शॉर्टिंग के लिए। सो ये थे दोस्तों अपने आज के सेक्टर एंड स्टॉक रिलेटेड वीडियोस। मैंने ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने से डेली लाइव स्ट्रीम किया था, ठीक है, विदाउट एनी फेल। दिवाली भी में हमने वैकेशन पे किया था ट्रेड, ठीक है। सो 6 मंथ से मैं काफी कर रहा था इसको लाइव ट्रेड। सो अभी मैं शायद से 1 मंथ के लिए नहीं कर सकता हूँ फॉर सम रीजंस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको ट्रेड कैसे करना है, ये सारे इसके ऊपर ये सारे मैंने सेक्टर्स एंड स्टॉक्स बताए, तो आप इसको रेफर कर सकते हो, मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए, ठीक है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे वेट करना है, किस स्टॉक्स को अवॉइड करना है, तो सारे डिटेल्स आपको इस लाइव सेशन के अंदर मिलेंगे। पोस्ट मार्केट वीडियोस भी डालता हूँ, काफी कम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है उसको प्राइस एक्शन के साथ, तो वो सब सीखने को मिलेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक करो।
ये जो स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक मैं सीरीज बना रहा हूँ तो ये कंटिन्यू कर सकता हूँ देन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।